हेलो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रो डिजिटल गाइड में दोस्तों आज के वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आप यूपी के निवासी हैं तो अगर आप अपना ऑनलाइन आय प्रमाण पत्र जात प्रमाण पत्र निवास प्रमाण पत्र कुछ भी आप बनाना चाहते हैं घर बैठे तो आप इजीली तरीके से खुद से सेल्फ रजिस्ट्रेशन करके बना सकते हैं अप्लाई करके पूरा प्रोसेस क्या है पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए आपको कम्प्लीट इंफॉर्मेशन दिया हूँ आपको समझ में आ जाएगा चलिए हम लोग चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ तो दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक वेबसाइट है ई डिस्ट्रिक डॉट यू पी डॉट जी ओ बी डॉट इन जो कि आप देख रहे हैं ऊपर में ई डिस्ट्रिक्ट डॉट यू पी डॉट जी ओ बी डॉट इन आप इस पर वेबसाइट को जो आप ओपन करिएगा तो इसमें आपको ऊपर में ऑप्शन आएगा ई सी ई डिस्ट्रिक्ट लॉग इन दूसरा ऑप्शन आएगा सिटीजन लॉग इन ई साथी तो आपको इसी पे जाना है सिटीजन लॉग इन इस साथी में यहाँ पे जाने के बाद आपको अपना आईडी और पासवर्ड सेल्फ क्रिएट करना है विदाउट कोई पैसा खर्चा किए आपको फ्री में यहाँ पे आईडी पासवर्ड बन जाएगा आपको बाहर में कहीं भी कोई अगर पैसा मांगता है आईडी बनाने के लिए तो मत दीजिएगा ठीक है तो देखिए सबसे ऊपर में है नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण तो आपको इस पर क्लिक करना है तो आपको यहाँ पे आ जाएगा लॉगिन आईडी आपको यहाँ पर छः से आठ डिजिट का एक आईडी देना है जैसे कि आपका नाम है मान लीजिए राजू ज़ीरो ज़ीरो वन ठीक है तो ये आईडी दे दिए अब इसको यहाँ से चेक कर लीजिए अवेलेबल है कि नहीं तो ये ए आई जैसे पहले की पहले से मौजूद है तो आप यहाँ पर कुछ चेंज कर दीजिए तो आपको यहाँ पे आईडी मिल जाएगा देखिए यह आईडी डी प्रयोग हेतु तो उपलब्ध है तो आपका आईडी डी यहाँ पर मिल गया अब आपको यहाँ पे नाम देना है अपना राजू कुमार ठीक है डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से अपना दे दीजिए जो भी आपका डेट ऑफ आप बर्थ है अपना डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा आप यहाँ से दे दीजिएगा और यहाँ से आप अपना मेल फीमेल आप सेलेक्ट कर सकते हैं नीचे में आपका पता देना है कंप्लीट पता मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ ठीक है उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पिन कोड देना है जैसे मैं एक दिखाने के लिए यहाँ पे एक लिख दिया हूँ और यहाँ से आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं जैसे कि मैं एक सुल्तानपुर चूज कर देता हूँ यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है ठीक है तो आपको यहाँ से अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है जैसे कि मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे सिक्योरिटी पर्पज़ से इंटर नहीं कर सकता हूँ तो आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी जो भी है जी मेल डॉट कॉम आपको यहाँ पर अपना डालना है ठीक है ये मैंने फॉल्स डाला है ठीक है आपको दिखाने के लिए उसके बाद नीचे में जो कैप्चर लिखा हुआ है इसको आपको फिलअप कर देना है फिलअप करने के बाद आपको सुरक्षित करेंगे जैसे आपका आईडी पासवर्ड आपको ईमेल आपके मोबाइल में और ईमेल आईडी में दोनों जगह मैसेज के थ्रू इंस्टेंट आपको मिल जाएगा आईडी पासवर्ड मिलने के बाद फिर आप इसी पेज में आइएगा सिटीजन लॉग इन ई साथी इसको आप क्लिक करिएगा उसके बाद आप यहाँ से अपना यूजर नेम और पासवर्ड और यहाँ ये जो लिखा हुआ कैप्चर इसको यहाँ पे डाल के सबमिट करिएगा तो आपका पेज ओपन हो जाएगा जैसे कि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी अकाउंट अपना रजिस्ट्रेशन किया हुआ था तो यहाँ पर मेरा आईडी ओपन हो चुका है ये बिल्कुल आसान स्टेप है आप इसको ईजिली तरीके से कर सकते हैं इसमें कोई भी जानकारी की वो ज़रूरत नहीं है आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है फिर भी आप कर सकते हैं अब देखिए इसमें सुविधा क्या क्या है आप ऑनलाइन कितने काम खुद से कर सकते हैं देखिए आवेदन पत्र में आप जात प्रमाण पत्र जात प्रमाण पत्र अंग्रेजी ठीक है आय प्रमाण पत्र निवास प्रमाण पत्र दिव्यांग प्रमाण पत्र हैसियत प्रमाण पत्र नवीन आवेदन करें या फिर पुराना है तो संशोधित करें ठीक है उसके बाद आप आवेदन पत्र में यदि आतिशबाजी के लिए आप लाइसेंस का कर सकते हैं और आवेदन पत्र दिव्यांग दिव्यांग व्यक्ति के लिए किसी के लिए ऋण है तो या फिर व्यक्तियों से दिव्यांग व्यक्तियों शादी के लिए यहाँ पर आपका खतौनी की नकल है खतौनी की नकल पुनः प्रिंट करें कुटुंब रजिस्टर बहुत कुछ है आप यहाँ पर अपना खुद से सेल्फ काम कर सकते हैं अब आईडी बनने के बाद आपको आय प्रमाण पत्र कैसे अप्लाई करना है सबसे पहले आय प्रमाण पत्र इनकम सर्टिफिकेट ऊपर में आ रहा देखिए आय प्रमाण पत्र इस पर आपको क्लिक करना है जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो नए विंडो में ओपन हो जाएगा आय प्रमाण पत्र है तो आवेदन इसमें आप ग्रामीण हैं ग्रामीण नगरी है नगरी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद ये कुछ इधर आ रहा है नेटवर्क की वजह से ये अभी ठीक हो जाता है एक मिनट मैं इसको लॉग इन कर देता हूं नेटवर्क थोड़ा स्लो के कारण ऐसा हो रहा है आपको इसमें लॉगिन कर लेना है फिर से जैसे मैं कर रहा हूँ क्योंकि कुछ आ, नेटवर्क के एरर के कारण मेरा हो नहीं पाया था पूरा इसे मैं आपको दिखा नहीं पाया था क्योंकि काफ़ी देर से मेरा लॉगिन था मैंने लॉग आउट किया नहीं था इसलिए मुझको दोबारा से लॉगिन करना पड़ रहा है देखिए मैंने फिर से लॉगिन कर लिया है और यहाँ पर देखिए आपको उसी स्टेप में आ जाते हैं देखिए आय प्रमाण पत्र तो आय प्रमाण पत्र पर क्लिक करते हैं जैसे ही आये प्रमाण पत्र तो आवेदन तो आ गया है इसमें आपका ऑप्शन है सेवा का प्रकार अगर आप गांव से हैं अप्लाई करें ग्रामीण नगर से हैं शहर से तो नगरी पे क्लिक करना है, ठीक है तो क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया है राजू कुमार ठीक है यहाँ पे अंग्रेजी में भी आपको नाम लिखना है हिंदी में भी ठीक है आप दोनों कॉपी पेस्ट कर सकते हैं ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है आप यहाँ पे लिख दीजिएगा यहाँ पे पिता का नाम राजेश प्रसाद मैं एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूँ किसी का रियल नेम नहीं है सब फेक नेम है बस मैं इसमें डाल रहा हूँ माता का नाम गुलजारी देवी कुछ भी ऐसे डाल दिए हैं ठीक है उसके बाद फिर आपको यहाँ पे आपका मकान नंबर डालना है अगर आपको नहीं पता है तो इसको जीरो जीरो करके छोड़ देना है मोहल्ला पोस्ट यहाँ पे उसके बाद डिस्ट्रिक्ट उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है यहाँ से अपना गांव चूज करना है यहाँ से तहसील ठीक है ग्राम तहसील चूज करने के बाद आपको अस्थाई पता में अगर पूरा जानकारी है तो आप यहाँ पे विलेज एंड पोस्ट करके पूरा यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं नहीं पता है तो आप इसको उपरोध कर दीजिएगा तो ऊपर वाला ही ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा उसके बाद व्यवसाय है व्यवसाय में क्या आप काम करते हैं कि अगर मजदूरी मजदूरी की कृषि करते हैं तो इसको कॉपी करके आप कृषि यहाँ पे डाल दीजिएगा कृषि हो गया परिवार का ब्यूर्वा कितने आदमी घर में है पांच आदमी है या दो आदमी इसमें डाल सकते हैं आपको उसमें डालना है उस हिसाब से पांच आदमी अगर आप डालें तो पांचों आदमी का सदस्य का नाम वो लोग क्या व्यवसाय करते हैं वार्षिक आय है, क्या है सबका डालना पड़ेगा अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल डाल दीजिएगा तो आपको एक ही सिर्फ आपका ही डालना पड़ेगा यहाँ पर ठीक है आपका नाम यहाँ पे व्यवसाय यहाँ पे वार्षिक है जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ है पच्चीस हजार कुछ भी आप डाल सकते ठीक है और उसके बाद यहाँ पे आय निर्धारण हेतु आवेदक की श्रेणी आप मज़्ध, खेतीहर मजदूर आय रुपये हैं तो इसमें अमाउंट डाल सकते हैं उसके बाद कुशल मजदूर हैं अगर हैं तो आपकी दिन भर की आय कितनी है ठीक है जैसे एक सौ रुपया पचास रुपया दो सौ रुपये इसमें उसको भरना है आपको पेंशन मिलता है तो इसमें डालिए शिव पेंशन मिलता है इसमें डालिए इसमें सब आपको डाल फिलहाल फिलअप करने पड़ेगा आपका भूमि का विवरण देना है खेत कितना है यहाँ पर उसका कितना आय है यहाँ पर सब डालना है और नीचे में आपको परिवार के कुल वार्षिक आय आप ऊपर डालिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा पच्चीस हज़ार उसके बाद आपको यहाँ पर डालना है क्या इससे पूर्व प्रमाण पत्र जारी हुआ है अगर हाँ तो हाँ नहीं तो नहीं ठीक है और उसके बाद आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया है तो हाँ नहीं इसमें आपको नहीं ही करना है ऊपर वाले में क्योंकि आप हाँ करिएगा तो आपको नए पुराने प्रमाण पत्र का नंबर भी डालना पड़ेगा तो इसको आप नहीं कर दीजिए और यहाँ पे अपना आधार संख्या डालिए जो भी आपका आधार नंबर है एक मैं फॉल्स डाला हूँ ठीक है प्रमाण पत्र बनवाने का कारण क्या है इसमें डालना पड़ेगा शिक्षण संस्थान में प्रवेश हुई छात्रवृत्ति हुई या अन्य किसी ठीक है तो उसको डाल के संलगक शीर्षक में आपको यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट डालना पड़ेगा जिसमें आप अपना खुद का फोटो डाल सकते हैं या फिर स्वप्रमाणित पत्र घोषणा पत्र है या फिर राशन कार्ड की छाया पत्र तो इसमें आप राशन कार्ड का डालने से ज़्यादा बेटर है राशन कार्ड का फ़ोटो इसमें राशन कार्ड क्लिक करके यहाँ से चूज फाइल में जाके आपको राशन कार्ड को वो कर देना है राशन कार्ड को अपलोड कर देना है सेलेक्ट करके यहाँ से अपलोड कर देना है उसके बाद आपको नीचे में जाके दर्ज करे पे क्लिक कर देना है जैसे ही दर्ज करे पे क्लिक करिएगा आपके स्क्रीन पे एक रेफरेंस नंबर आ जाएगा जिसको अप्लीकेशन नंबर बोलते हैं तो नंबर आपके पास आ जाने के बाद उससे सात दिन के अंदर वो आपके यहाँ पर आई में वो आ जाएगा यहाँ पर जब जारी होगा तो आपको पेमेंट करने पड़ेगा पंद्रह रुपया आपको यहाँ पे सेवा शुल्क में जाके और यहाँ पे आवेदन प्रिंट करें इसमें जाने से फिर आपको वही आप प्रिंट अप्लीकेशन में यहाँ पे आपका आवेदन नंबर यहाँ पे डाल के जो आपका आवेदन नंबर रहेगा उसको डाल के आप सुरक्षित करेंगे तो एक अमाउंट पेमेंट करने के लिए बोलेगा पंद्रह रुपये का आप उसको पेमेंट कर दीजिएगा तो आपका अप्लीकेशन प्रिंट हो जाएगा और सात दिन के अंदर आपके इसी पोर्टल में वो आपको शो हो जाएगा आवेदन की सूची में आप जाइएगा तो आप जितने भी आवेदन किए रहेंगे यहाँ पे शो होगा और यहाँ पे फिर डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा तो आप जाके यहाँ से डाउनलोड कर सकेंगे तो आशा करता हूँ दोस्तों आप अगर यूपी से हैं तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको ऑनलाइन तरीके से अपना इनकम सर्टिफिकेट आय प्रमाण पत्र कैसे बना सकते हैं घर बैठे कहीं जाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल ईजी स्टेप से ये काम आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है तो अगर दोस्तों कुछ भी चीज़ आपको नहीं समझ में आया होगा तो हमको एक बार कमेंट करिए मैं और अच्छे तरीके से एक और वीडियो बना दूंगा जिससे आप पूरी तरीके से इसको समझ पाएं क्योंकि मैं इसमें अपना मोबाइल नंबर या फिर आधार कार्ड नंबर या फिर ईमेल आईडी किसी का भी अपना या किसी का भी मैं नहीं डाल सकता हूँ यूट्यूब पॉलिसी के ख़िलाफ़ है इसलिए मैंने पूरा कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं फिलअप किया है सिर्फ मैंने आपको बताया है बोल के तो आप लोग समझदार हैं अच्छे तरीके से आप अपना फ़िलअप करके अप्लाई करिए हंड्रेड परसेंट आपका काम हो जाएगा तो मिलते हैं नए वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय